ये वंदे भारत ट्रेन वाराणसी, और देखिए लोगों में उत्साह, वंदे भारत सासाराम में गजब का उत्साह लोगों में, और यही ट्रेन बनारस से, ये देखिए वंदे भारत आ गई है सासाराम रेलवे स्टेशन पे, और ये वंदे भारत कैसा है एक्सप्रेस, देखिए लोगों में उत्साह, लोग ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, देखिए खुशी का इजहार है लोगों में कि ये आधुनिक सुविधा से लैस ये वंदे भारत ट्रेन सासाराम में आ गई है। अब आपको दिखाते हैं आगे का तस्वीर जहां से लोग बजाते इसकी हरी झंडी दिखाएंगे, ढोल की व्यवस्था की गई है, लोग सेल्फी ले रहे हैं वंदे भारत के साथ, वंदे भारत आगे से आइए, आगे से आइए, आइए आइए और भाई देखिए पीछे नजर आ गए, लोग ताली बजा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, पीछे आप हाथों में तिरंगा देख सकते हैं, पीछे कंबल है, लोग सेल्फी ले रहे हैं वंदे भारत के साथ, और आज वाकई लोगों के लिए खुशी का दिन है कि आप लग्जरियस लाइफ लोग अटेंड करेंगे। पीछे की तस्वीरों को आप देखिए, जो यहाँ के श्रम मंत्री हैं, सासाराम सांसद हैं, सासाराम विधायक हैं, वो इसके लोकार्पण में पहुंचे हैं, बजाते बजाते इसको सजाया गया है वंदे भारत ट्रेन को, और देखिए इसकी विधिवत पूजा की जा रही है, क्राउड इतना बड़ा है, आप देखिए तस्वीर में ट्रेन के इंजन बोगी में यहाँ के जो सांसद हैं वो चढ़े हैं, जो पूर्व विधायक है वो चढ़े हैं, सासाराम के विधायक चढ़े हैं, और देखिए आप देखिए क्राउड अधिक है थोड़ा सा, आइए आइए आगे दिखाइए, आराम से 10 मिनट रुकेगी। सासाराम रेलवे स्टेशन पे वंदे भारत आ चुकी है, उसका विधिवत यहाँ से लोकार्पण किया जा रहा है, यहाँ के जो सांसद हैं वो हैं, यहाँ के जो विधायक हैं वो उपस्थित हैं, जो बिहार सरकार में श्रम मंत्री हैं वो यहाँ पे हैं, रेलवे के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पे हैं, और एक सौगात के रूप में इसको देख रहा है लोग कि सासाराम में इसका स्टॉपेज होना, बनारस जो आर्थिक नगरी है वो यहाँ से जो देवस्थल है, धार्मिक नगरी है बाबा बैद्यनाथ धाम, वहाँ यहाँ से निकल के हजारों यात्री जाते हैं, उनके लिए ये सुविधा जो है आज बेहतरीन है, और पूरे शहरवासी इसी को लेकर उत्साहित हैं। आप देख लीजिए पीछे जो ट्रेन का जो पायलट ये है केबिन है, उसमें आपको सांसद दिख जाएंगे, वहाँ विधायक दिख जाएंगे, जो यहाँ के श्रम मंत्री हैं वो दिख जाएंगे, और विधिवत बजाते वहाँ उद्घाटन के बाद फोटो सेशन चल रहा है। वंदे भारत इसलिए भी इम्पोर्टेंस है भारतीय राजनीति में कि जो केंद्र की सरकार है या बीजेपी की जो सरकार है, वंदे भारत को ही अपनी उपलब्धि मानी है, चाहे वो आने वाला चुनाव विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, और इसका फायदा भी मिला है केंद्र सरकार को। अब ये जो लग्जरियस यात्रा है लोगों का वो एकदम सुगम हो गया है, और यहाँ से लोग जहाँ भी उनका गंतव्य स्थान हो, चाहे वो बनारस हो चाहे देवघर हो, तो यहाँ से लोगों को जाना सुगम हो गया कि अब सासाराम में पहली बार बनारस और देवघर के बीच ये वंदे भारत का सफर लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस वंदे भारत का लोकार्पण लोगों के बीच में ले जाया गया है, और रेलवे के सारे अधिकारी इसको उपलब्धि मान रहे हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इसके ठहराव को लेकर अपनी अपनी एक उपलब्धि ले रहे हैं या क्रेज ले रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो पब्लिक में जब जाएंगे तो ये जरूर पब्लिक से बात करेंगे कि हाँ हमने वंदे भारत को सासाराम में स्टॉपेज करवाया और यहाँ से लोगों को जाना अब सुगम हो गया। लेकिन ये अलग बात है, ये अलग बात है कि वंदे भारत यहाँ के लोगों को मिल गया, वंदे भारत में लोग सफर भी करेंगे, एक अलग सुकून होगा, अलग एहसास होगा, 180 किलोमीटर इसकी रफ्तार है,
तो वाकई इस पे चढ़ना लोगों को रोमांच पैदा करेगा। और यही बात है, यही कारण है कि अधिक संख्या में यहाँ लोग वंदे भारत के वेलकम के लिए उमड़े हुए हैं। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ के जो सांसद हैं, वो उनके जो श्रम मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो यहाँ के जो विधायक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको हम ये तस्वीर दिखा देते हैं वंदे भारत की, जो वंदे भारत का देखिए विशेष इनॉग्रेशन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख लीजिए, आगे बढ़ के दिखा लीजिए और पीछे चारों तरफ पब्लिक को दिखा दीजिएगा। देखिए सासाराम सांसद हैं, दिखा दीजिएगा, ये तस्वीर दिखाइएगा, सासाराम सांसद हैं और ये विधायक हैं। अब हरी झंडी दिखाई जा रहा है, आइए आइए, हरी झंडी दिखाई जा रहा है।